गाइस अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू पीपल आर डूइंग सुपर फाइन एंड यू ऑल आर सेफ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है एंड मेनी पीपल आर देयर इन क्वाइट ट्रबल्स। आई होप यू आर नॉट इन ट्रबल एंड यू आर सुपर फाइन। ओके, सो आज की वीडियो जो है मेरी सारी वीडियोज से लाइक वेरी वेरी डिफरेंट होने वाली है। अगर बैकग्राउंड साउंड हो रही है आई एम सो सॉरी फॉर देम, क्योंकि मैं सबको चुप तो नहीं करा सकती अब। सो इट्स आप लोगों ने टाइटल देख लिया, सो लेट्स गो एंड हेड टू द किचन। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like fainting on you. तो हमने यहाँ पे पानी ले लिया है हमारे पैन के अंदर और अब वील एड सॉल्ट टू इट। बस एंड वील एड ऑयल टू इट। इट्स दाल दखनोलो, मुझे स्पॉन्सर करना है तो प्लीज कर ले। कितना डालें? ऐसे डाल, बहुत हो गया। ओके, तो अब हम इसको ये अच्छा कवर, सो वी आर गोइंग टू कवर इट एंड मुझे नहीं पता, सॉरी, बाय, मिलते हैं इसके बाद। ओके, सो गाइज दीज आर द वेजिटेबल्स जो हमने कट कर ली हैं मम्मा के लिए एंड येस दीज आर द चंक्स केन एंड के, प्लीज स्पॉन्सर मी प्लीज। एंड आई टेल यू वट दीज थिंग्स आर, दिस इज ब्लैक पेपर, दिस इज आई टोल्ड यू ऑलिव ऑयल एंड दिस इज ग्रीन चिली सॉस एंड दिस इज चिली सॉस, दिस इज सोया सॉस एंड दीज आर द मैक्रोनीज एट द बैक एंड दिस इज ऑरिगैनो, ठीक है, एंड दिस इज नमक सॉल्ट एंड आई एम नॉट एबल टू टेल यू प्रॉपरली क्योंकि मैं कैमरा से देख रही हूँ, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा। सो हियर वी आर विद दिस एंड आई शो यू के ये बॉइल्ड हुआ है या नहीं। ओके, सो येस दिस इज इट एंड ये बॉइल हो रहा है एंड ऑयल भी है इसमें, सो लेट्स गो। ओके, सो ये हो चुका है बॉइल, ठीक है, दिस इज बॉइल्ड। अब वी आर गोइंग टू पुट मैक्रोनीज इन इट, आई एम गोइंग टू ग्रैब द सिजर्स और ये वाला पैन कट करेंगे। एंड आई हैव द बेस्ट कैमरा मैन, दैट्स माय मॉम। ये बहुत मुश्किल है, मैं आखिरी बार कर रही हूँ, कह रही हूँ ये पहला और आखिरी दफा है, तो मैं ये कर रही हूँ। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक आउट दिस, दैट इज द बेस्ट थिंग, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेसिकली। मैं पहली बार ये कर रही हूँ, मुझे अपनी कुक कुक वाइब जा रही है, कुक कुक वाइब, तो पहली बार जो है ना दिखा दे। तो हम इसका ढक्कन रखेंगे हम यहाँ पे एंड
एंड अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल. मेक श्योर दिस इज ड्राई. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट चंक्स इन इट. वी टेक आउट वन पैकेट ऑफ चंक्स. हियर यू गो. डाल दो पूरे हाथ. हाथ से डालू? डाल दो यार. खुद हुआ तो मैं प्रोफेशनल कुक नहीं हूं तो मुझे जज मत कीजिएगा. सही है. अच्छा नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स दिस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बीच बीच में इसको मिक्स करते हैं. तो अब जब तक चंक्स हमारे फ्राई हो रहे हैं तो क्या हम लोग करते हैं. यस नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस स्पून मैनेज द चंक्स. Oh my God, I love them. तो मुझे क्रेविंग सी हो रही है. अगर ये कम लगे आपको मैक्रोनीज में डालने के बाद तो बुरा ना मानिएगा. बाय. देखते हैं फिर हो जाएंगे. बहुत ठीक हुई है दर्द. मैक्रोनीज जो है हमारी बॉइल हो चुकी हैं पूरी तरीके से. सो नाउ वी आर गोइंग टू लेट इट स्टे इन द पैन फॉर 2 to 3 minutes. उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे उसको ड्रेन करने के लिए. सही है. और तब तक हम लोग अपने चंक्स के अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे. सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस ग्रीन चिली सॉस ऑफ मशरूम्स. बोलते हैं खुल नहीं रहा है, बंद करूँगी. It's not coming out. कितने डालने? कितने डालने? Now this one, this is the chili sauce. इसी से डालूं? नीचे से देख. क्या मेरे हाथ से की जगह नहीं आसान है. कितने डालूं? एक. My cameraman is so excited today. Yes, cameraman. So let's all tell this. आप लोगों ने जो इन आए वाली वीडियो पे इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट इन आए के लिए किए हैं. मेरे लिए एक कॉमेंट जो आया हो वाह, ये इज्जत है मेरी. ये ली. कितनी ओवर. हे गाइस, सो हमने मैक्रोनीज को ड्रेन कर दिया है और हमने ठंडा पानी डाल के उसको भी ड्रेन कर दिया है और अब हमने इनको रख दिया है. एडिंग द स्पाइसेस एंड सॉल्ट और वगैरह वगैरह ओवर हियर. सही है. हियर इज द ऑरिगैनो. आई वोंट पुट अ लॉट ऑफ इट बिकॉज मैं हम लोग इतनी स्पाइसेस नहीं खाते. बहुत इंग्लिश बोल रही हूँ आज ना. सो यस दिस इज ये ब्लैक पेपर है और थोड़ी सी हम डाल देंगे. इतनी आप लोगों का अंदाजा हो गया है कि मैं कितना खाना बनाती रहती हूँ. किचन में ही रहती हूँ सारा दिन. ठीक है. अच्छा मिक्स कर लो. देख लें कितनी कुक रही है. ओके गाइस बाय. हमने इसमें मैक्रोनीज डाल दी हैं तो अब हम लोग इसको मिक्स करने वाले हैं. एंड द चंक्स आर अमेजिंग. आई लव इट. यार मैं खाना चाहती हूँ फॉरन. कुक विद मम्मा बनाएंगे एक वीडियो है. मम्मा मम्मा इज लाइक लिटरली इग्नोरिंग मी. सही है. बस मैं इसको कवर करती हूँ. And then we'll meet again. Bye. Okay, so अब हम लोग मम्मा की वेजीज वेजिटेबल्स जो हैं वो करेंगे.
सही है मम्मा बस। और मम्मा कह रही है कि ये बारी बारी अलग अलग से होंगे। पहले कह रही तो ऐसे ही हाथ से डाल दो। ये गिर जाएंगे मेरे। मैं जरा ये डाल दूँ फिर मिलते हैं। सो ये मैंने डाली हैं, कर लें यकीन के मैंने डाली हैं, कर लें। सो आई एम स्टिरिंग इट। और ये गाजरें हैं, बस मैं डाल रही हूँ। सही है, ये मैं ही हूँ, मैं डाल रही हूँ। तो यस ये मैं डाल रही हूँ। कितनी मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मल्टी मल्टीपल वर्सटाइल। ओके सो लेट्स मिक्स दिस, आई लव इट। ये मेरी कुकिंग की पहली और आखिरी वीडियो है शायद, पता नहीं। ओके बाय। मतलब सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन चेक करें ज़रा, कर लें भाई। आप ये चेक नहीं करेंगे तो आप लोग क्या चेक करेंगे? और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें यार, ताकि मेरे से क्या दुश्मनी है तो फिर नहीं करें। कटिंग चेक करें हमारे कैमरा मैन की, देख रहे हैं आप लोग कटिंग। अच्छा गाइज, मैंने नोटिस किया वीडियो एडिट करते हुए कि मैं बहुत बुरी तरह स्पून्स को ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ। आई प्रोमिस दिस विल नॉट हैपन अगेन, आई एम सो सॉरी। मैं अब से सच्ची में जाके खाना वगैरह बनाया करूँगी, क्योंकि इस वीडियो के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत वो हूँ, जो उसे कहते हैं नाकारा एंड ऑल दैट। सो आई प्रोमिस आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस। I'll provide you guys with a better video inshallah next time, जिसमें मैं ख़ुद बहुत अच्छे से कर रही हूँ और मैं इस पर मैं work करूँगी and I will work on it। और inshallah अगली बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा तो मुझे comments में मत बताइएगा, I'm so sorry, माफ़ कर दें मुझे। मैं इस पर work करूँगी and you guys will see a change। I am done with these macaronis and they're super amazing, let's taste them। जैसे इतनी भीखी एंड ऑल दैट का सीन है कि हम लोग को ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। एंड दिस चंक्स, ठीक है, ओके बाय गाइस। सो यस दिस वाज द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। आई होप कि मैं मेरी कुकिंग स्किल्स से आप लोग इम्प्रेस ज़रूर हुए होंगे। खैर, दिस वीडियो इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड बाय सुकैना एंड अरीशा, क्योंकि उन्होंने देवर टेलिंग मी कि वो लोग बहुत खाने वगैरह बनाते हैं। सो यार ये मेरी तरफ से शुरुआत थी, अब मैं कोई खाने बनाती भी नजर आऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन और लाइक कर दीजिएगा। बाय।